अपने कारनामों से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाला बिजली विभाग एक बार फिर अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में है। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का है, जहां त्रिवेदी गंज विकास खंड के देवीदासपुर गांव में विद्युत विभाग द्वारा बिजली पहुंचाने से पहले ही दर्जनों घरों में बिजली का बिल भेजा जा रहा। दरअसल यहां विद्युत विभाग द्वारा 8 साल पहले कैंप लगाकर ग्रामीणों को विद्युत कनेक्शन कर दिया गया था। 8 साल पहले गांव में कुछ खंभे भी लगा दिए गए थे, लेकिन बीते 8 सालों में विद्युत विभाग ने इस गांव में बिजली पहुंचाने का प्रयास तक नहीं किया। लेकिन विद्युत विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ बिजली का बिल हर महीने भेजता रहा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत करते हुए गांव में बिजली पहुंचाने और बिल सही करने की मांग की है। त्रिवेदी गंज विकास खंड क्षेत्र के देवीदासपुर गांव में पिछले 8 सालों से बिना बिजली दिए लगातार विद्युत बिल से गांव वाले हैरान और परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 8 साल पहले 2015 में उनके गांव में कुछ विद्युत खंभे लगाए गए थे। गांव में पूरे खंभे भी नहीं लगे थे, न ही 8 सालों से गांव में विद्युत सप्लाई शुरू हुई। 8 साल पहले जब गांव में खंभे लगाए गए, इसी दौरान कैंप लगाकर विद्युत कनेक्शन दिया गया था। लगातार भारी भरकम विद्युत बिल से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत करते हुए गांव में बिजली पहुंचाने बिल सही करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? कन्हैया, मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं? बाबा को मंदिर में रहते हैं, पुजारी हैं। ये मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं है, मीटर लगे पड़े हैं, 8 साल हो गए, इसकी बहुत समस्या है। अच्छा, जो गांव में आपके खंभे गड़े हुए, क्या इसमें खंभे? हाँ। बहुत दूरी दूरी खंभे गड़े हैं, यहाँ लाइन जुड़ी नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविशंकर है। कहाँ रहते हैं? पूरे देवीदास ग्राम, पूरे देवीदास पोस्ट ग्रहारी, तहसील हैदरगढ़, बाराबंकी। क्या मामला है आपके यहाँ? जो मामला हम लोगों का ये है कि आज 8 साल हो गए हैं, बिजली के खंभे लग गए हैं, लाइन खींच दी गई है, मीटर लग गए हैं, कनेक्शन भी कर दिए गए हैं और बिल भी जारी हो गया है। अभी तक लाइन नहीं चालू हुई। हम लोगों को बिजली की आवश्यकता है, तेल भी नहीं मिल रहा है, आवश्यकता है बिजली की, बिजली भी नहीं मिल पा रही। आला अधिकारी जितने भी जाओ, बस आजकल हाथ बता के यही कर देते हैं। एप्लीकेशन भी दिए कई बार, तहसील दिवस में भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अंधेरे में रहते हैं, बारिश का मौसम, लाइट भी नहीं है, सरकार की तरफ से तेल भी नहीं मिलता है, कहाँ से व्यवस्था हो? बच्चे पढ़ाई करते हैं, अंधेरे में रहते हैं, ये भी नहीं कि चलो पढ़ने के लिए। अब कितना सोलर पैनल रखे हुए हैं लेकिन उनसे काम नहीं चलता है। हम लोगों का यही समस्या है हमारी, कोई कोई अधिकारी भी नहीं सुनता है कि चलो हम सुने, या फिर कुछ भी नहीं होता। लाइन मैन आते हैं, देख के बस चले जाते हैं कि ये अब नहीं हो पाएगा, ये होगा। और जब पावर हाउस भी गए तो ये हुआ कि बिजली का बिल, तो बिजली का बिल आप जमा करवा दीजिए, कनेक्शन कटवा लीजिए, जय महोदय बोले हैं। अब फिर बाद में दोबारा एप्लीकेशन दिए तो ये बता रहे हैं कि समस्या तो काफ़ी जटिल है और हम खंभे कहाँ से लाएँ, कौन सी कंपनी आएगी जो खंभे लगाएगी, फिर उसमें जो है बिजली सप्लाई मिलेगी। अब कब खंभे आएंगे, कब सप्लाई मिलेगी, कब हम लोगों को बिजली मिलेगी, कब हमारे घर में उजाला होगा? 8-9 साल हो गए हैं बिजली लाइन चालू दिखा रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं, बिजली का बिल भी भरना पड़ रहा हम लोगों को।